उज्जैन के वेद नगर में 8 फीट लंबा अजगर निकलने से पूरा इलाका सहम गया। यह शेड्यूल एक प्रजाति का अजगर बताया जा रहा है जो आमतौर पर जंगलों में ही पाया जाता है, यह शहरी इलाकों में नहीं पाए जाते। सर्प विशेषज्ञ मुकेश इंगले ने बताया कि अजगर शहर के बाहर इंजीनियरिंग कॉलेज से होते हुए वेद नगर तक पहुंचा होगा। अजगर बुधवार देर रात 12 बजे वेद नगर में ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास रहने वाले अरविंद शर्मा के घर में दिखाई दिया। रहवासियों ने इसे घर में घुसते हुए देखा तो शर्मा परिवार को सूचना दी। रहवासियों ने अजगर निकलने की सूचना सर्प विशेषज्ञ मुकेश इंगले को भी दी। अब तक रहवासी घर के बाहर भी नहीं निकले, घर के दूसरे माले से अजगर का वीडियो बनाते रहे। मुकेश इंगले ने पहुंचने तक अजगर घर के गलियारे में ही कुंडली मारकर बैठा रहा। सर्प विशेषज्ञ ने अजगर को स्नेक कैचर की मदद से तुरंत पकड़ लिया। रहवासी अरुण जैन ने बताया कि देर रात अजगर सड़कों पर घूमते देखा गया था, इसके बाद यह घर में घुस गया, घर के गलियारे में कुंडली मारकर बैठ गया था। सर्प विशेषज्ञ को बुलवाकर इसे पकड़वाया गया है। करीबन 4 इंच मोटा और 8 फीट लंबा सांप अजगर टाइप था, वो यहाँ से निकल रहा था। ये आप चाहो तो ये इसको भी कर सकते हो हाईलाइट। तो वहाँ से देखा मैंने कि खतरनाक टाइप देखा, तो मेरे बाजू में एक जैन साहब हैं, उनको मैंने बोला कि आप जा कम से कम उसको फ़ोन कीजिए, अपने श्रीमान जी कौन थे वो मुकेश इंगले जी को फ़ोन किया। तो मुकेश इंगले जी आए तो उनने बड़ी तरकीब से उस सांप को निकाल के अपने उसमें रख दिया, काय में अपने उसमें क्या कहते हैं गनी बैग में, और ले गया उसको सुरक्षित। अब क्या मालूम कहाँ ले गया, भगवान जाने। यह शेड्यूल एक प्रकार का अजगर है, ये जंगली होते हैं, इनमें जहर भी नहीं होता। ये अजगर इस तरह से कुंडली मारकर शिकार करते हैं। फिलहाल अजगर को वन विभाग से सुपुर्द कर दिया गया है।